सरकार बंधुओं को नमस्कार। मैं वजीर डांडा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए भी और हरियाणा प्रदेश के लिए भी और आने वाले जो हमारे विधानसभा चुनाव है उन सब के लिए। साथियों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर पूरे हरियाणा में दम और खम से चुनाव लड़ेगी। हमारी प्यारी पहले ब्लॉक स्तर पर थी, सर्कल स्तर पर थी और गांव और वार्ड स्तर पर थी। आज से हम अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं बूथ स्तर पर। हर एक बूथ की हमारी कमेटी होगी, हर एक बूथ पे 11 सदस्य कमेटी होगी। 11 के 11 सदस्य बूथ पर, एक बूथ इंचार्ज होगा। अब से पहले हमारी पूरी तैयारी जो है विधानसभा की तैयारी हो चुकी है। आज हम बदलाव जन सवार लॉन्च कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। कल से हमारा हर गांव में, हर वार्ड में हम इस बदलाव जन सवार को लेकर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन, जो उनको किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी विरोधी जो नीतियां रही है उनको हम उजागर करेंगे, जन जन तक लेके जाएंगे। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, पिछले 7 साल में लगभग 70 एग्जाम पेपर लीक होना, ये बहुत बड़ी कमजोरी रही है। चाहे युवाओं के साथ रोजगार में खिलवाड़ करना, चाहे युवाओं को आर्थिक आधार पर नौकरी देकर उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न लड़ना, ये बहुत बड़ी कमजोरी रही है भारतीय जनता पार्टी की। अरे उससे पीछे का जो 10 साल कांग्रेस, उससे पीछे इनेलो और इन 5 साल में जेजेपी, सभी ने बारी बारी लूटा। कोई भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें हरियाणा के लोगों ने जिसको मौका ना दिया हो। एक भी पार्टी, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हरियाणा के लोगों ने सभी को आदर दिया है, सभी का मान सम्मान रखा है और सभी को एक कार्य करने का मौका दिया है। और हरियाणा के लोग पूरा का पूरा बदलाव चाहते हैं। जो हरियाणा सरकार की गाड़ी है, पहले टायर किसी का था, स्टीयरिंग किसी का था, अब हरियाणा के लोग चाहते हैं कि हम गाड़ी नहीं बदलेंगे। हरियाणा के लोग कहते हैं गाड़ी का टायर नहीं बदलेंगे, हम पूरी गाड़ी बदलेंगे। पूरे बदलाव के लिए हरियाणा के लोगों के बीच आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाएगा और हम पूरी गाड़ी को ही बदल के रख देंगे। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा, आम आदमी का होगा और एक मता हरियाणा के लाल केजरीवाल के नाम पर हरियाणा के लोगों से हम मांगेंगे। हरियाणा के लोगों ने आज तक किसी को निराश नहीं किया है, किसी भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी को निराश नहीं किया है, तो हरियाणा के लोग हमें भी निराश नहीं करेंगे। हमें उम्मीद और भरोसा है, हमें वो प्यार देंगे, मान सम्मान देंगे और एक मौका 2024 में हरियाणा में हरियाणा सरकार बनाने का देंगे। और हरियाणा की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली पर मंथ, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को 2 लाख भर्ती हमने पहले का रोजगार, बिजली और पानी की व्यवस्था, ये सब मुद्दों के साथ हम हरियाणा के गांव गांव वार्ड वार्ड में जा रहे हैं और बिल्कुल हम कुरुक्षेत्र की तरफ डट कर चुनाव लड़ेंगे। भले ही कुरुक्षेत्र में हम कुछ मार्जिन से हारे, परंतु इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई हारने वाली टीम ने 4 लाख को, आज तक किसी ने लिए 5 लाख से ज्यादा वोट लिए है। कुरुक्षेत्र की जनता ने, हरियाणा की जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, कदर करते हैं और पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ, पूरी देश प्रेम और प्रदेश प्रेम के साथ हम मैदान पर उतर रहे हैं। हमारे साथी उतर रहे हैं, हमारी केंद्रीय टीम, हमारे प्रभारी लगा जी लग चुके हैं, हमारे से लोकसभा प्रभारी है, विधानसभा ब्लॉक और सर्कल तक के प्रभारी हमारी टीम ने लगा दिए हैं। पूरी जुनून के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे हौसले के साथ पार्टी मैदान में जा रही है। 2024 का चुनाव बड़े जुनून के साथ पूरे हरियाणा में हम लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा सर्वे होता है, पंजाब में भी देखा होगा आपने कि किस प्रकार से लोगों ने भगवत मान को प्यार दिया। आने वाला समय बताएगा, अभी तो हमारा सर्वे विधानसभा पर भी सर्वे है।
हम सब साथी पार्टी प्रत्याशियों के लिए भी सर्वे शुरू हो चुका है। पार्टी का ही घोड़े पे हम दाव खेलेंगे, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पे दाव खेलेंगे। आम आदमी चुनाव लड़ेगा पंजाब की तरह, जिस प्रकार पंजाब में 92 में से 82 एमएलए पहली बार चुनाव लड़के आए थे, इसी प्रकार एक आम घर का परिवार का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, पढ़ा लिखा नौजवान युवा जो है वो विधानसभा जाएगा। देखिए ये कहना शायद किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ अन्याय होगा कि कितने चेहरे हैं। आपसे छुट्टी भी मांगी होगी, आप जिला प्रधान है। मैं कह रहा हूँ किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो जाएगा। हमारी पार्टी कहती है हम दो तरह के सर्वे करवा रहे हैं, एक पब्लिक सर्वे है और एक पार्टी अपने सर्वे पर कर रही है। पब्लिक सर्वे और पार्टी सर्वे दोनों मैच करेंगे, फिर जितने पदाधिकारी और रिकमेंडेशन तीनों चीजें होंगी, तो उन तीनों चीजों पर जो खरा उतरेगा पूरी ईमानदारी से उसी को चुनाव में लड़ाया जाएगा। और वो मैं कहता हूँ ईमानदारी से आम आदमी पार्टी का ही समर्पित कार्यकर्ता और समर्पित पदाधिकारी होगा। हाँ जी, गुप्ता की जो चर्चा चल रही है उसमें कितना दम है? कोई दम नहीं है, ऐसी चर्चाएं चलती रहती है। सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जो हमारी पार्टी के समर्पित सिपाही है, केजरीवाल जी की आस्था और विचार, वो भावना में विचार रखते हैं, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने रहेंगे और बड़े दमदार और बड़े ही उत्साहित हमारे अध्यक्ष हैं। देखिए बहुत सी विपक्ष की पार्टी के मुद्दे लेता है, जब विपक्ष के पार्टी के पास किसी के पास हमारा जो सत्ता में पार्टी है या सत्ता से दूसरी पार्टी उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता आम आदमी पार्टी को रोकने का, वो ऐसे चर्चाएं चलाते रहते हैं, ऐसे प्रचार करते रहते हैं। इन प्रचार का हमारी पार्टी पर, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं होगा। देखिए अभी मैं उस बात पे आता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का बिल्कुल डिफरेंट चुनाव होता है। अभी तक पूरे, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, हिंदुस्तान में अब केवल 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। अब जो पार्टी केवल 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, तो पूरा जो देश है वो ये बात देखता है कि अगर 22 की 22 भी आ जाती सरकार नहीं बना सकती, तो ये अलग डिफरेंट होता है। पर तो जब हम हरियाणा में पूरी की पूरी विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे, तो विधानसभा और लोकसभा बिल्कुल अलग है। जैसे पंजाब देखा आपने, दिल्ली में हमारे दो बार देखा आपने, हम पिछले बार भी लोकसभा हार गए थे साथ के साथ, उसके बाद हमने 62 विधानसभा जीते। तो ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक होगा। हम सरकार बनाएंगे और ज्यादातर मैक्सिमम विधानसभा सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। हाजी दादा साहब, आम आदमी अकेली लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी, अपने दम खम पर। पूरे हरियाणा के अंदर हमारे संजीव पाठक जी ने कह दिया कि 90 की 90 सीटों पर तैयारी करो और पूरे जुनून के साथ करो, और हम पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा पानी को लेकर क्या स्टैंड? देखिए ये केंद्रीय मामला, जब तक दो बेटों में कोई बात हो, अगर पिता चाचा ताऊ ना रहते, केंद्र की सरकार जानबूझकर हमारे प्रधानमंत्री इस पर बैठना नहीं चाहते। हमने बहुत बार कहा है कि पंजाब हरियाणा और दिल्ली हमारे मुख्य राज्य हैं, हमारे देश के, देश का दिल है, तो इनका जो विषय पानी का है, अगर केंद्रीय नेतृत्व बैठे, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे, ये सॉल्व हो सकता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती, वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहती है। हमारा राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल अलग है, हम जात पात धर्म पर और क्षेत्रवाद पर राजनीति नहीं करते, हम प्रदेशों में अपने देश को नहीं बांटते, हमारा देश एक है, हम एक देश एक एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन पर लड़ते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं, हमारे मुद्दों से हमें भटका नहीं सकते। हम जो एक आम आदमी के मुद्दे हैं उनको लेकर ग्राउंड पे जाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब लोगों को बदलाने में सफल नहीं होती। सभी पूरा 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 देश जानता है इस ड्रामा को कौन लिख रहा है। स्क्रिप्ट किस ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट ऑफिस में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ईडी को दी जाती है। आज तक इतिहास में कभी पहला ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई फैसला आया भी नहीं, उसकी कॉपी भी नहीं मिली और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि फैसला आने से पहले आप हाईकोर्ट पहुंच गए, क्योंकि वो सक्रिय जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिखी जा रही थी। सबको पता है,
सर मुकाबला जो आज सत्ता में पार्टी होती है उसके विरोध इलेक्शन होता है, क्योंकि जिन्होंने 10 साल से लगातार इस हरियाणा को लूटा है, आज देखिए कल कैपिटल में कितनी गुंडा वृद्धि हुई है, कितनी गोलियां चली है, उससे पहले जनसर्जन में जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं हम उनके विरुद्ध जाएंगे, जिनके पास कुछ नहीं है उनको कहने का क्या फायदा है। जो सत्ता में है आज अगर आप जींद में बारिश हुई, मैं अगर जींद की बात करता हूँ कितने एमएम बारिश हुई होगी, कचहरा चौक पे पोलन रोड पे लिखने का रास्ता नहीं था, तो उसके लिए यहाँ का प्रेजेंट में विधायक जिम्मेदार है। वो विधायक जो कहता है हमारी सब क्यारियां हैं 15 साल में क्या किया, तो जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं उनको उनकी नीतियों को उजागर करके उनकी कुरीतियों को उजागर करके हम ग्राउंड पे। अजीत जी लोकसभा चुनाव पे आकलन करते हुए अनुराग भंडा के और सुशील गुप्ता जी के विचार मतभेद नजर आए? नहीं, कोई मतभेद नहीं, वो व्यक्तिगत विचार होता है, मेरा भी ऐसा विचार हो सकता है कि हमने कांग्रेस में जाकर गलती की, ये व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का नहीं। पार्टी गाइडलाइन ऊपर से जो केंद्रीय नेतृत्व आदेश देता है, हम कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता और अनुशासित कार्यकर्ता है, हम अपने केंद्रीय टीम के आदेश को जो है पालना करते हैं। परंतु हर विधानसभा का मुद्दा अलग हो सकता है, हर जिले का मुद्दा अलग होता है, हम सब मुद्दों को इकट्ठे करके केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, पूरे हरियाणा का मुद्दा बनाकर हम जाऊंगे। 30 जून की सुनीता केजरीवाल जी की जो आप जनसभा कर रहे हैं उसकी किस प्रकार की तैयारी? नहीं, अभी हमने 30 जून का पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि 2-3 दिन से जो आप देख रहे हैं ड्रामा हो रहा है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो जमानत हमारी जो मिल जाएगी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारे को दी थी, परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से प्रभावित होकर वो रुके हैं। अब हमें प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि 2-3 दिन में 4-5 दिन में हमारे संयोजक राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, उसके बाद हम बहुत बड़ी रैली जो है हरियाणा के अंदर। मुझे बोलने का अवसर मिला है, मेरी ड्यूटी पूरे हरियाणा में लगी रहती थी और अभी मैं नरवाना में अपना काम कर रहा हूँ, रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरा गाँव नगूरा प्रॉपर, और मेरा काम भी उधर नरवाना और उच्चैना में ज्यादा रहता है। तो सम्मानित साथियों, जो ट्रेनिंग हमें अभी मिली है हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस ट्रेनिंग का पूरा लाभ लेंगे, और जो अगले 2 दिन में हमारी ब्लॉक की मीटिंग है, दो मीटिंग है, उस मीटिंग को हम जितना अच्छा कर पाएंगे तो अगले 10 दिन बहुत अच्छे जाएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि जो हमारे संदीप पाठक जी ने असेंबली के असेंबली लोकसभा और जोन की एसओपी भी कई साथी पूछ लेते थे कि एसओपी क्या होता है। ये अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मानक संचालन जो अपनी योजना गतिविधि उसको देना स्टैंडर्ड मानक। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए, छोटी छोटी पार्टी बड़ा नॉलेज बढ़ाती है हमारे को। शुरू में एक ओ का मेरे साथी यू ए को